मानसून सत्र के दौरान हंगामे के चलते 11 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया, उन्हीं में से एक प्रियंका चतुर्वेदी हैं। 12 सांसदों को निलंबित किया गया है, प्रियंका चतुर्वेदी भी उन्हीं में से हैं। प्रियंका जी, मानसून सत्र के दौरान यहां पर हंगामा हुआ था, उस सिलसिले में आपके खिलाफ कार्रवाई, पूरे सत्र के लिए निलंबित? मुझे नहीं पता मुझे कब तक के लिए निलंबित किया, क्योंकि ये सरकार ऐसी सरकार है कि किसी की भी आवाज़ को बंद कर देगी, जब मन आया कर देगी। कोई रूल्स के खिलाफ मैंने काम नहीं किया है। मैं पहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हूँ जो वेल ऑफ द हाउस में गई होंगी, पर जिस तरीके से ये सस्पेंशन ऑर्डर आया है, जहाँ पर हमारी सुनवाई भी नहीं हुई है और हमारा नाम अनाउंस कर दिया गया है, आई हैव क्वेश्चन टू आस्क ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड दिस गवर्नमेंट बेटर बी आंसर। कहा यह गया है कि जब हंगामा हुआ था उस दौरान आप लोगों ने जिस तरीके से वहाँ पर आप लोगों का हरकतें, या ये कहा जाए कि जो एक्शंस रहे थे उसकी वजह से पार्लियामेंट की जो छवि को नुकसान पहुंचा है। क्या एक्शन था मेरा, क्या एक्शन था? जनता की आवाज़ उठाना एक्शन होता है? जनता की हितों की बात करना कोई दिक्कत होती है? सरकार पहले ये बताए कि किस नियम और कानून के तहत इन्होंने ये सस्पेंशन किया है। जो टेबल पे जम कर रहे थे, किसी ने उनको देखा कोई सस्पेंशन उनके हुए हैं? तो ये सारा जो ड्रामा हो रहा है ना, सबको दिख रहा है किस तरीके से अनएथिकल, अनडेमोक्रेटिक, अनपार्लियामेंट्री मैनर में आवाजों को कुचलने का। ये भी जा रहा था कि उस दौरान जो पार्लियामेंट का स्टाफ था उसके साथ मारपीट की गई थी, तोड़फोड़ की गई थी। मारपीट अगर हुई होगी, अगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये सब हो रहा है, तो आप बिल्कुल कार्रवाई करो। पर आप हर जिसका भी नाम आपने अक्यूज डाला है, उनसे पूछो तो सही क्या माहौल था। किसी ने ये नहीं पूछा किस तरीके से मार्शल्स बिहेव कर रहे थे, हमसे किसी से पूछा गया? धक्का मुक्की हो रही थी, मेल मार्शल्स हमें धक्का मुक्की कर रहे थे, कोई नहीं सुनेगा। अब अगला मूव क्या रहेगा? मैं चेयरमैन को लिखने वाली हूँ इस बारे में कि दिस इज आर्बिट्रेरी, यू कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू आर बाउंड, ड्यूटी बाउंड टू द चेयर टू इंश्योर दैट एवरी वॉइस इज हर्ड, एंड दिस कैन नॉट हैपन, दैट वन साइडेड सस्पेंशन विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दिस वर्क्स एंड हाउ टू साइलेंस। यानी साफ तौर पर प्रियंका चतुर्वेदी का ये कहना है कि जिस तरीके से जो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसने निश्चित तौर पर जो कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं, उनका ये कहना है कि उनका बिना पक्ष सुने ये कार्रवाई की गई है जो पूरी तरह से गलत है। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। ABP News, आपको रखे आगे।